एक और कॉन्टेस्ट, एक बड़ा मुकाबला, दूसरा से भी फाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने के लिए हबीबपुर मल्ला बनाम बरंडी एफसी के बीच में मुकाबला शुरू होगा। इससे पहले एक और फुटबॉल से संबंधित सूचना, सारजम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 4, 5 और 6 मार्च 2022 को बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम दुमका में सारजम बेड़ा क्लब की ओर से टूर्नामेंट आयोजित होने जा रही है इस साल, और उसमें फर्स्ट प्राइज रहेगा 3 लाख, सेकंड 2 लाख, थर्ड 50,000 और चौथे स्थान में 50,000। एंट्री के लिए काफी कम समय बाकी है, इसे 24,999 रुपए जो एंट्री फी रखा गया है, आप वहां टीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बना टीम रहे खिलाड़ी पुन जेले कुहा बीच फील्ड रहे मैच रेफरी को बप्पा कर असिस्टेंट रेफरी राजेश सरकार जी, जबकि AR1 में असिस्टेंट रेफरी के तौर पर विजय दास जी, मुख्य रेफरी बप्पा के देखरेख में दो दिग्गज टीम इस समय सेकंड सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान के अंदर आ गए हैं, एफसी हबीबपुर मल्ला बनाम बरंडी एफसी। याद रखे ऑल रेड में खेलने के लिए बरंडी एफसी की टीम, जबकि इस समय जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं इस समय पूरी छोर की ओर जाते हुए रेड और ऑरेंज कलर की जर्सी में, वो है ब्लैक एंड ऑरेंज में, वो है हबीबपुर मल्ला। मैं बता देना चाहूंगा दोनों का सफरनामा इस तरह से है। हबीबपुर मल्ला की टीम ने शुरुआती मैच में YSC गोड्डा को हराया था पेनल्टी में, इसके बाद क्वार्टर में उनका खेल हुआ था ब्लैक स्टोन कलम चंपांडी के साथ, जो कि पूरे विदेशी खिलाड़ियों का पूरा संगम था, और उसको पेनल्टी में हरा करके वो क्वार्टर से सेमीफाइनल में प्रवेश किए थे। और दूसरे ओर जहां मरंडी स्टार मरंडी एफसी का जहां तक सवाल है, उसने सबसे पहले गोपालपुर के साथ जो हुई थी कल, और राइजिंग स्टार गोपालपुर को 1 गोल से हरा करके सेमीफाइनल को क्वालिफाई किए थे। अब यहां से ये भिड़ंत फाइनल में जगह को क्वालिफाई करने के लिए दो टीम लड़ेंगे, और जीत किसकी होगी। यहां पर बात करें हबीबपुर मल्ला के खिलाड़ियों की सूची में, एक नजर लुकास मरंडी जो कि बहुत ही चर्चित गोलकीपर है, शिवलाल मुर्मू 2 नंबर में, रोमन बेस राजस्सी नंबर 16, फिलिप बेस राजस्सी नंबर 4, प्रसन्नजीत टुडू जर्सी नंबर 3, अनिल टुडू जर्सी नंबर 8, तपन हेम्ब्रम जर्सी नंबर 15, बबलू सोरेन जर्सी नंबर 6, निर्मल किस्कू जर्सी नंबर 10, तुखु सोरेन जर्सी नंबर 5 और अमल मासी को आज मैदान में उतारा है 9 नंबर में, जबकि संजय मरंडी, मंगल हांसदा, गोरा टुडू, उज्ज्वल सोरेन और सुमेन बेसरा है। और उसी तरह से याद रखें लाल रंग की जर्सी में अनिल किस्कू के ऊपर, याद इस टीम को बहुत उम्मीद है, अनिल किस्कू को आप देख रहे हैं इसमें इस कॉन्टेस्ट में गन है 99 नंबर में, जबकि गोलकीपर कुमी मुर्मू इस समय तैयार है। और इसी के साथ मैच रेफरी पप्पा का ये लंबा संकेत मैच प्रारंभ होने का, और खेल यहां शुरुआत होता हुआ खेल शुरू हो चुका है। पहले हाफ में देखना है जीत कौन सी टीम करेगी, दर्ज करेगी और यहां से फाइनल को क्वालिफाई करेंगे। और दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए फर्स्ट गोल के लिए यहां ऑफर आ चुका है हमारे सम्मानित मंच में, मंच पर बच्चा सिंह मॉर्निंग स्टार हाथीपरा के प्रिंसिपल साहब मंच पर बच्चा सिंह है, उनके तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम आ चुका है। पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी को 1100 रुपए से सम्मानित किया जाएगा, यह 1100 है और कोटा खिलाड़ी अया मोहर लगावा
कोयटा खिलाड़ी पहले बोला हबीबपुर मल्ला हेंदे आर ऑरेंज कलर रहे आर आरा रंग रहे नको दो मरंडी एफसी टीम इनारगी एफसी इलाहाबाद फाइनल पर काम करा और साथ ही साथ हमारे बीच में इस मुख्य अतिथि मंच पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सह पूर्व प्रत्याशी लिट्टी बड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय दानियल किस्कू जी हमारे मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो कि उद्घाटन के दिन भी अपना समय दिए थे और इस फाइनल दिन में भी हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। इस आदिवासी एफएम गौता क्लब गोपालपुर कमेटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है दानियल सर। धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कमेटी की ओर से। और फिलहाल मैच इस समय बंगाल और एक तरफ मरंडी एफसी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, याद रखें मरंडी एफसी की टीम जहां एक पाकुड़ जिले का ही एक व्यवस्थित टीम है। और इसी बीच में गेंद को 10 नंबर निर्मल किस्कू ने अपने कब्जे में कर लिया और काफी खराब शॉट। शुरू के दिन भी जिस तरह से चंपांडी के टीम के विरुद्ध निर्मल ने गवाया था, मैं समझता हूं वो भी हबीबपुर की टीम भूले नहीं होंगे। एक तरह से सीधा मैदानी खेल में ही चंपांडी को हरा सकते थे और इस खिलाड़ी ने ओपन चांस को गवाया था, लेकिन इस बार भी गलत दिशा दे बैठे निर्मल। आज कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में उतना साथ नहीं दिया है, लेकिन अनिल किस्कू के ऊपर खास नजर रखे, सभी खिलाड़ी को चकमा देकर के आगे निकल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वहां साथी खिलाड़ी जो क्रिस्टाइन 99 नंबर में उनके मोमेंटम को बिगाड़ा और जिस वजह से खतरा टलता हुआ। फिलहाल इस समय गेंद को लेने की कोशिश एडी के पास, एडी ने अच्छा पास निकाला है यहाँ पर वॉल्कर, जो कि 88 नंबर में वॉल्कर विदेशी मूल में इस समय खेलते हुए, लेकिन इससे पहले शायद वहां पर उनके ऊपर गलत तरीके से अपट किया गया था और जिस वजह से वहां मैच सरहद को मजबूत करते हुए बचाव पक्ष में बल्ला की टीम। अब देखना है वो इस खतरे को कहां तक वो टालने में सफल होते या नहीं, और इस मौके को क्या लाल रंग की जैसी पहने हुए मरंडी एफसी की टीम एक स्कोर यहां से क्या बना सकते हैं, पहला गोल क्या हमें देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को ऑलरेडी ऑफर आ चुका है 1100 का मॉर्निंग स्टार हाथी बना की ओर से। अब देखना है उसके लिए कौन से खिलाड़ी हकदार होते हैं। प्लेयर प्लीज रेफरी का जो निर्णय है प्लीज रेफरी का डिसीजन का पालन करें, प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ गेम। और यहां पर बहुत ही सुनहरा मौका गोल दागने के लिए, गोल दागने के लिए सुंदर मौका, गोल्डन चांस और नीचा शॉट देगी। यहां पर जो शॉट लगाया था वहां एडी ने उसका कोई फायदा नहीं। एक तरफ से 5 विदेशी खिलाड़ी पैदल वाला गणेशन है, चलो उसरा है वाला उसरा है। और साथ ही साथ हमारे मंच में आप इस समय चमचमाता हुआ ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं, हमारे इस विनर और रनर टीम के लिए जो ट्रॉफी का जो स्पॉन्सर है तोड़ा स्पोर्ट्स दुकान के हमारे प्रोवाइडर सौरभ भाई, उसके तरफ से यह ट्रॉफी कमेटी को स्पॉन्सर किया गया है। और साथ ही साथ सौरभ ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहां आए हुए सभी दर्शकों से निवेदन है आपको सूचित करना चाहिए।
करते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि यहाँ पर सभी प्रकार के खेल कूद की सामग्री उचित मूल्य पर मिलता है। आप सभी थोड़ा स्पोर्ट्स दुकान पर जाकर के जो स्पोर्ट्स का सामग्री है आप ले सकते हैं, साथ ही साथ जो कि बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में जो भी आप स्पोर्ट्स का सामग्री है उसके लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद। नवा मैच रहे पहली हाफ रेम खेल पदा टीम की और चिदा जे नवा ये थे नवा मैच इम्पोर्टेंट है। हबीबपुर मलदा ओका तो जतो हर को पसे को बुझे बेता है हमला नो चंपांडी ओका तो गार के गार विदेशी खिलाड़ी को गति क्या था और उनका ना रोमांचक मैच रहे ट्राइबेकर को हराव के कुआ तब को हबीबपुर मलदा चिदा रे जतो टीम जतो दर्शक को उम्मीद बढ़ाओ करा मैन खान नोड़े मराठी एफसी टीम हो अड़ी बेस्ट बेस्ट टीम हराव करते नोड़े दबिया सकार करा दिया बीतरे गोले दिया रे मंडराम का था बॉल मैन खान जो ओका दो 22 नंबर रे गति का बॉल अड़ी मौज हेडिंग करते बॉल उड़ूम करा 77 नंबर रे ओका गति का संजीव किस्कू बॉल तायब से हाफ लाइन रे आयरन गति लगी मैन खान नतेरी नवा नखारे नगरम जल खा शिवलाल और रोमेन बाजरा 2 और 16 नंबर रे पंजाब से को एक बार डिफेंस लाइन रे अटी मौज की गति इकना और तिहिन अबल बासी को दो सेंटर थोरड रहे इकना और कोई बोल जले किना तिहिन 9 नंबर रे नई खिलाड़ी ऊपर हो अटी कोई निर्भर है ना अबल की बास की 9 नंबर रे बंगाल से रे खिलाड़ी नहीं हो अटी नवी खिलाड़ी रे लिखा करा अनिया भी त्रेमी ने खतरनाक चीज हुई दरिया सही जगह रे बांग बॉल प्लेस लेना मैन का मैं पहले हरे मिसिल ओका तो गोल कीपर होला नो ओका बीते सॉफ्ट टुडू तरह का अडे गंभीर होला एक बजाव ना होना है ते कुमी मुर्मू तीन गोल कीपिंग दिया जिम्मेदारी टीम रिया उम्मीद लगी मैन का नियम इतने लेट चैलेंज तयम को है नोडे निर्बल होते थे और उन्हें यह थे फ्रीकिक दिया मौका को जामा एडी कोई बुन जले करा नियमित रहे वालकर वालकर दो कटी में छाक खिलाड़ी पास है माव दिया वालकर थे कि बॉल विदेशी मूल रन खिलाड़ी वालकर होना हो अटी मजे गाती क्या था और राइट फॉरवर्ड रन खिलाड़ी उन्हीं हो अटी मौज बोले जा रहे बोले क्रॉस क्या खतरा ना फीचर या मैन खान बंगाल के प्लेयर्स कृपया करके आप लोग शांति बना के रखें रेफरीज डिसीजन और फाइनल डिसीजन और नियमित रहे अकुआ छत्र कोई मीठे प्रतिक्रिया मौका को नाम चिदाजे नियमित रहे मीठे खिलाड़ी बुकिंग की नहीं खूब क्रिस्टियन उपेदा विदेशी मूल रहे खिलाड़ी थोड़ा गैर खतरनाक तरीके से गाती लिया चलते थे ये लोग कार्ड को धुका दिया अनवाल का तय पहली हाफ रियाडी इंपॉर्टेंट समय चला गया सुशील और नोडे कोई बना टीम के कुरुमुटु यहाँ फाइनल रहे एफसी इलाहाबाद सुगे गाती लगी उन्हें तभी अकिना जगह सेटर हो लगी और हमेशा की सेमीफाइनल या मैच तो फाइनल को हो खतरनाक गति हुआ उन्हें को हो तभी गति करना उन्हें तेरवा गति हो उनका की दमदार हुआ और अब उस सलाम की सरी की बोल बढ़ाई है जे सरी फाइनल मैच कौन हो टॉप मैच का ना सीधा जे हटे नोटे कौन सेंटर का दे मीटे की एम दहन करा मीटे की लक्ष्य दहन कर दो गा प्लेयर्स को जे नोटे कौन फाइनल गति लगी विनर और रनर अप बना लगी नोटे लगी मीटे ऑप्शन क्रिएट ना मीटे ऑफ तो हो जावे करा वा सरी फाइनल मैच रे बैंक का जे वा मैच रे उका तो बना टीम बोल जाले किन मालदा टीम हालांकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड ना मैच रहे थोड़ा गान उका तो नुकिना आपसी फैसअप ता है ना मालदा टीम उका तो बोल किया वाईसी गोंडा दा लारे उका तो पहिल मैच गाटी ले ओना मैच गाटी जेल ते ओना उम्मीद बांधता है करा जे मालदा टीम ओना भी सेटर को से सेटर हो है मिलते मैं कल कहीं ना कहीं गाटी गाटी ते निकना नुकु आपसी कंबिनेशन चलावना और मैच रे नुकरा सुधार जेल सब्स्टिट्यूट बेच रहे बनाया
अतिरिक्त बेंच रे बनाया ओको दो संजय मरंडी ओका दो पहिल राउंड की पर्याय गोल लेदा न्यूक्लियस लेकिन ते कहीं ना कहीं उन्हें खोन हो जाने आरो बेहतर खड़िया समायोजन बना मालदा टीम से खोन थोड़े अमल बाकी है कि ना ते हिंजर से नंबर नौ रे मीटर नवा चेहरा तो जहां तक पूछो क्या नाव मैच से है यानी कि मजबूत हुई है और बना चुके पहल अपना शुरुआती समय रे मीट आ गया आपसे फिर सब सुन नोडे खोन आर भी था मालदा टीम जिन्हें उन्हें अमल मैन का नोडे खोन जर्सी नंबर 46 रे एडी रोई प्लेयर से हूँ पहली राउंड में बैठ रहे हैं टीम लगे मीटे दामना ही गोल लेना और बोल चलाओ कर उन्हें फिलहाल पच्ची बकर टच लाइन पर बाहर है यहाँ दोनों ही टीमों का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने टीम को फाइनलिस्ट बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर फाइनल बनने के लिए क्या अपने दावेदारी को बेहतर अंदाज में पेश कर पाएंगे इस सेमीफाइनल के मैच में एक सुंदर अंदाज में एक सुंदर सा पास खेल है समांतर दिशा में यहाँ से गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 46 एडी एडी यहाँ पर जर्सी नंबर 1 अनिल किसको के लिए गेंद जो कि यहाँ पर सभी प्लेयर चाहते हैं कि हम उन्हें आइडल मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिल जी जिस नाम से जाने जाते हैं हालांकि उस प्रकार का प्रदर्शन शायद नहीं बन पाया है उनके द्वारा क्योंकि यहाँ पर गेंद पोजीशन बहुत ही कम यहाँ देखा गया है उनके लिए यहाँ से चेस डाउन करने के बाद हल्का समय पास बरन डीएफसी के लिए यहाँ अनिल के लिए गेंद होगा अनिल किसको दिग्गज फुटबॉलर